तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग और मैं हूं एनोनिमस। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे वाईफाई क्रैकिंग को लेके, तो उनमें हमने क्या किया था, मैंने आपको सिखा दिया था कि आपने डी ऑथेंटिकेशन अटैक कैसे करना है। तो डी ऑथेंटिकेशन अटैक आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस भी करके देखी होगी। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको कमांड्स भी याद हो गई होंगी। तो आज हम बात करेंगे, तो जैसे कि हम बात करेंगे जो हमारे नेटवर्क होते हैं इनक्रिप्शन के, WEP और WPA और WPA2, तो उनको हमें कैसे क्रैक करना है। तो हमारा जो प्री कनेक्शन अटैक का था जो मैंने आपको बताया था, वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पैकेट स्निफ करने बताए थे और डी ऑथेंटिकेशन करना सिखाया था। तो हम गेनिंग एक्सेस के अब चलेंगे। तो गेनिंग एक्सेस में आपको मैं कैसे कहूँगा कि जो हमारा सबसे पहली इनक्रिप्शन है WEP, तो WEP को हमें कैसे क्रैक करना है, बस वही सेम है जैसे हमने पैकेट स्निफ किया था। तो पैकेट स्निफ किए थे उनके अंदर हमें ये पासवर्ड वो मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा अपने वाईफाई का। मतलब अगर हम WEP वाईफाई को क्रैक करना चाहते हैं तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमारे पैकेट स्निफ थे उनको स्निफ करना सीखा था, तो उसी डाटा के अंदर, उन्हीं पैकेट्स के अंदर हमें पासवर्ड मिलेगा WEP इनक्रिप्शन वाईफाई का। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस लेक्चर का भी लिंक दे दूंगा, आप एक बार जाके वहाँ पे देखिए कि हमने पैकेट स्निफ कैसे किए थे। तो जैसे हमने पैकेट स्निफ किए थे उसके अंदर हमें एक IV प्लस एक पासवर्ड की हमें मिलेगा। मतलब जैसे अगर हम आपको एक सिंपल भाषा में बताएं कि जब भी कोई मोबाइल एक राउटर से कम्युनिकेट करता है तो उसके साथ डाटा पैकेट्स के साथ एक IV और एक पासवर्ड की को भी शेयर करता है। अगर हमने पैकेट स्निफ किया तो पैकेट स्निफ के अंदर हमें क्या मिलेगा, उन पैकेट्स के अंदर हमें एक वाईफाई की मिल जाएगी और एक उसके IV मिल जाएगी। तो उन्हीं पैकेट्स का यूज़ करके हम WEP वाईफाई को क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी एक बार प्रेस करके जाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसे कि आज हम WEP वाईफाई को क्रैकिंग करने वाले हैं, तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने WEP मेरे पास एक वाईफाई कनेक्शन है जो कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका नाम है डोंट कनेक्ट आई एम वायरस। तो मतलब ये जो वाईफाई कनेक्शन है एक्चुअली में मेरा ही है, तो मैं अपने ही वाईफाई को मैंने आपको दिखाने के लिए WEP की सिक्योरिटी में इसको चेंज किया कि हम इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं। हालांकि आजकल इस सिक्योरिटी को कोई यूज़ ही नहीं करता, WPA2 और WPA को यूज़ करते हैं, तो उसकी क्रैकिंग मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बता दूंगा। तो हम इसको क्रैक कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको क्रैक करना आपको आ गया तो आप WPA और WPA2 की सिक्योरिटी को भी आराम से क्रैक कर सकते हो। तो अब हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या सिंपल, अगर आपने पहले लेक्चर्स देख रखे हैं तो आज हम सिंपल कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें इसके जो पैकेट को है उसको स्निफ करना पड़ेगा, इस कनेक्शन के पैकेट्स को। तो इसके कनेक्शन को, पैकेट को स्निफ करके हमें एक अपनी जो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर उसको स्टोर करना पड़ेगा, मतलब राइट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम उन पैकेट्स में से इसका वाईफाई पासवर्ड आपको निकाल के मैं दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक कमांड का यूज़ करना है, एरोडम्प NG और स्पेस स्पेस बैंड। और बैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आप कौन से बैंड को स्कैन करना चाहते हो, तो उसके क्या क्या आपको यहाँ पे कमांड्स देने पड़ेंगे। जैसे मेरे को सिंपली 2.4 और 5.1 GHz दोनों बैंड को यहाँ पे स्कैन कराना है अपने एरोडम्प में, तो मैं कमांड यहाँ पे लगाऊंगा ABG और उसको हमें कहाँ पे करना है, WLAN 1 में। तो हम इसको WLAN 1 में इसको स्कैन कराएंगे। बैंड हमने दे दिया, WLAN हमने दे दिया कि हमें कौन से इंटरफेस पे इसको स्कैन कराना है, और हमने जो हमारे प्रोग्राम का नाम था AeroDumpNG वो हमने लिख दिया सिंपली। हमें करना क्या है, इसको हम एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद हमारे पास जितने भी 2.4 के और 5.1 बैंड जितने भी हमारे आसपास कनेक्शन होंगे वो हमें शो करा देगा। तो यहाँ पे अभी मेरा ही वाईफाई है तो उसी का कनेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो मेरे को अपने ही वाईफाई को टेस्टिंग करना है WPE सिक्योरिटी में कि इसको क्रैक कर सकता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे कनेक्शन आ चुका है, मैं इसको दूसरी विंडो यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे दूसरी विंडो ओपन करने के बाद हमें जो हमारे राउटर का था वो हमें मैक एड्रेस मिल चुका है, चैनल मिल चुका है कि हमें कौन से चैनल पर उसको स्कैन कराना है, उसका नाम आपको मिल चुका है
कि आप उसको उस वाईफाई का नाम क्या है और उसकी जो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन हमारे पास आ चुकी है WEP, तो हमें WPE वाईफाई को क्रैक करना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके पैकेट को स्निफ करना है, मतलब हमें इसके पैकेट्स को स्निफ करके राइट करना है। तो उसके लिए हम कमांड का यूज करेंगे एरोडम्प एमजी -BSSID हमें देनी पड़ेगी। तो BSSID मेरी यहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारी BSSID है, इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करूंगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमें -- चैनल देना पड़ेगा क्योंकि कौन से चैनल पर है ये, तो हमने यहाँ पे चैनल देना पड़ेगा। चैनल हमारा इस टाइम ये चैनल 3 पे चला, तो हमें चैनल 3 देना पड़ेगा। उसके बाद इसको राइट कराना है हमने, तो -- राइट, और किस नाम से कराना है वो मैं दे देता हूँ, हैक के नाम से। तो मेरे को हैक के नाम से राइट कराना है और हमें इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा कि कौन से इंटरफेस पे कराना है। तो मेरा इंटरफेस था WLAN 1, तो हम इसको जैसे ही राइट कराएंगे तो हमारे जो पैकेट्स थे वो स्निफ होने स्टार्ट हो जाएंगे इस नेटवर्क पे और वो राइट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें एक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बट आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये बिजी नेटवर्क नहीं हुआ, यहाँ पे डाटा इसका जीरो रहा, तो आपको पैकेट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज अगर नेटवर्क बिजी होगा तो ही वो कम्युनिकेट करेगा दूसरे डिवाइस से और तभी उसमें डाटा ट्रांसफर रहेगा, और जब डाटा ट्रांसफर रहेगा तभी वो अपनी पासवर्ड की उनसे शेयर करेगा और हमें उन पैकेट्स को स्निफ करके वहां से जो उसका पासवर्ड है वो निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिजी नेटवर्क नहीं है, मतलब ये वाईफाई चल तो रहा है बट इससे कोई कनेक्ट नहीं है, तो वो डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, यहाँ पे अभी जीरो है। तो इसका यूज करने के लिए, मतलब हमें इसको बिजी नेटवर्क कैसे करना है उसके लिए भी एक कमांड है, तो उस कमांड का हम यूज करेंगे, उसको कहते हैं फेक ऑथेंटिकेशन। मतलब हमें इस जो वाईफाई रहेगा इसके पास एक रिक्वेस्ट भेजनी है अपने इस लिनक्स मशीन से कि मैं भाई तेरे से कनेक्ट होना चाहता हूँ, मेरे को कनेक्ट कर। वो जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट को डी एक्सेप्ट करेगा तो वो डाटा ट्रांसफर करेगा, तो उन डाटा ट्रांसफर में वो एक बार वो अपनी पासवर्ड की को मैच करके देखेगा, तो हम उन पैकेट्स को स्निफ कर लेंगे और उन पैकेट्स को स्निफ करने के बाद हम उनमें से वो जो पासवर्ड की है वो निकाल लेंगे। मतलब अभी इससे आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो आ रहा है डाटा, मतलब इस पे अभी कोई काम नहीं कर रहा, तो हम इसकी पासवर्ड की नहीं निकाल सकते। तो हमें इसकी पासवर्ड की कैसे निकालनी है उसका एक मेथड है, मैंने आपको बता दिया, फेक ऑथेंटिकेशन। मतलब हमें फेक ऑथेंटिकेशन करनी है, तभी यहाँ पे डाटा ये ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद हमें उनमें से डाटा निकालना है, उसके उसको यूज करेंगे हम ARP पैकेट्स का। तो ARP पैकेट्स का हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमने फेक ओथ दे दिया है, उसकी वैल्यू हम जीरो डाल देंगे। तो फेक ओथ देने के बाद हमें -A का मतलब है हमें अटैक की जो मैक एड्रेस रहेगा वो हमें सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है। तो हमारा जो अटैक का मैक एड्रेस है वो हमारा ये है, हम इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो इसको कॉपी करने के बाद हमें -H कमांड लगानी है और यहाँ पे आपको अपना मैक एड्रेस देना, मतलब जिस डिवाइस से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हो उसका मैक एड्रेस देना पड़ेगा। मैक एड्रेस आपको सिंपली कैसे करना है, मैंने पहले किया हुआ है अपना मैक एड्रेस कॉपी, तो मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ अपने अपना मैक एड्रेस कैसे निकालना है। अपना मैक एड्रेस निकालने के लिए अपने सिंपली IW config का यूज करना है। IW config का यूज जैसे आप करोगे तो WLAN 0 का ये हमारा इंटरफेस है, इसका हमें मैक एड्रेस चाहिए। तो इसका मैक एड्रेस निकालने के लिए हम करेंगे ifconfig, तो इसका हम रन कर देंगे और हमारा यहाँ पे जो हमारा WLAN 0 का मैक एड्रेस ये आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। तो इस मैक एड्रेस को हमें कॉपी करना है, तो इसके मैक एड्रेस को हम कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पे है आप ये देख सकते हो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो हमें 6 डिजिट का अपना मैक एड्रेस चाहिए, तो हम यहाँ से 6 डिजिट अपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद जितने भी इसके बीच में ये हमें ये हटा के इसको यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे इस सबको चेंज कर लेंगे।
तो हमें यहाँ पे अपना मैक एड्रेस इसको दे दिया है, तो उसके बाद हमें कराना है WLAN 1 पे। तो अब मैंने आपके पास सारी कमांड आपको शो करा दी है कि हमें कौन सी कमांड्स का यूज़ करना है, तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हमें ARRIPLAYNG का यूज़ करना है फेक ओथ के लिए, हमने वैल्यू डाल दी है, हमने iPhone A का यूज़ किया है, अटैक का मैक एड्रेस यहाँ पे दिया है, और iPhone H में हमने अपना मैक एड्रेस दिया है कि हमें इस वाले अटैक की जो मैक एड्रेस है इस पे अटैक करना है फेक ऑथेंटिकेशन का इस मैक एड्रेस से, और वो कहाँ पे कौन से इंटरफेस पे रहेगा WLAN 1 पे। तो हम इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे फेक ओथ है वो रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो हमारी जैसे यहाँ पे फेक ओथ की रिक्वेस्ट जा चुकी है, आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया और वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो इसके बाद हमें ARP पैकेट सेंड करने पड़ेंगे इस राउटर को कि ताकि वो हमें जो हमारी यहाँ पे डाटा है ये है इसको इंक्रीज कर सके, जिससे हमें पैकेट्स मिल सके इस वाईफाई के। तो हमें ARP पैकेट्स से इसको सेंड करने हैं, तो ARP पैकेट्स हमने यहाँ पे फेक ऑथेंटिकेशन जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ARP पैकेट सेंड करने हैं, तो ARP पैकेट सेंड करने के लिए हम यूज करेंगे ARRIPLAYNG --ARP-RIPLAY और उसके बाद -B, और यहाँ पे हमें देनी है BSSID, जो राउटर की BSSID है, मतलब जो उसका राउटर का मैक एड्रेस है हमें वो मैक एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम उसका मैक एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद -H में जो हमने अपना मैक एड्रेस दिया तो वो देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे मैक एड्रेस से उसके मैक एड्रेस पर वो ARP पैकेट सेंड कर सके। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा मैक एड्रेस था वो एक्चुअली यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो एक बार हम इसको दोबारा चेंज कर देते हैं। तो मेरा जो मैक एड्रेस था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो मेरा मैक एड्रेस था मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था, तो मैं इस मैक एड्रेस को सिंपली कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना मैक एड्रेस इसको दे दिया है, मतलब हमें ARP पैकेट्स उसको सेंड करने हैं इस वाले मैक एड्रेस पे, और इस वाले मैक एड्रेस से सेंड करने हैं और WLAN 1 पे। जैसे मैं इस कमांड को एंटर करूंगा यहाँ पे जो डाटा का कॉलम है वहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा डाटा, जिससे हमें पैकेट्स मिल सके, स्निफ जो हम स्निफ कर रहे हैं यहाँ पे वो पैकेट्स हमें मिल सके। तो उन पैकेट्स के जरिए ही हम WEP की सिक्योरिटी को क्रैक करेंगे। तो मैं इस कमांड को सिंपली यहाँ पे रन करता हूँ, और जैसे इसको रन करूंगा वहाँ पे जो डाटा कॉलम है डाटा के उसमें सेक्शन में है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखते रहना, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है तो थोड़ा वेट कीजिए। तो जैसे यहाँ पे सेंड होने स्टार्ट हो चुके हैं तो वहाँ पे डाटा भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारे पैकेट्स से जो वो स्निफ कर लिए थे, तो अब हमें उन्हीं पैकेट्स में से डाटा निकालना है। तो हमने वो किए थे हैक के नाम से सेव, तो एक बार हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे सेव हुआ है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे हैक के नाम से काफ़ी सारी डायरेक्टरीज आ चुकी हैं, फाइल्स हैं हमारी इसी डायरेक्टरीज में, hack01.cap के नाम से या .csv के नाम से। तो हमें सिर्फ ये फाइल यूज़ करनी है hack01.cap के नाम से। तो हम इस फाइल को कहाँ पे ओपन करेंगे, हमें इसे करना है एयरक्रैक में, ARRIPLAYNG में इसको ओपन करेंगे एनजी में, और उसके बाद इस फाइल का नाम दे देंगे जो कि है hack.cap के नाम से। तो जैसे हम इस फाइल का हमने नाम यहाँ पे दे दिया, हम जैसे इसको रन करेंगे तो ये रन करने के बाद ही इसकी जो वाईफाई की है उनको टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा जो हमने पैकेट स्निफ किए थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो विद इन 2 सेकेंड हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड आ चुका है, जो हमारे वाईफाई का पासवर्ड है वो है 01122334455। तो हम इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे हमारे वाईफाई पे। तो जैसे हमारे यहाँ पे वाईफाई पे हम इसको टेस्ट करके देखें कि
लगेगी या नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे ये था डोंट कनेक्ट एम वायरस, इसको हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने पे हम इसकी ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे डाल के देखेंगे जो हमारे पास आई थी 1122। मैं यहाँ पे की वही डालूंगा सेम 1122334455। तो मैं एक बार आपको शो भी करा देता हूँ कि मैंने वही पासवर्ड डाला है 1122334455। तो हम इसको जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा कनेक्ट जो पासवर्ड था वो यहाँ पे लग गया और हमारा वाईफाई भी कनेक्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हो हमारा वाईफाई कनेक्ट हो चुका है।